आज सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन है। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। अखिलेश यादव भी पूरी ताकत से सत्ता में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पार्टी के सारे फैसले ले रहे हैं। एक एक टिकट वो खुद फाइनल कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अखिलेश यादव को पहला चुनावी टिकट किसने दिया और यहाँ तक का सफर अखिलेश ने किसकी मदद से पूरा किया? अधिकतर चर्चा इसी बात की रहती है कि स्वर्गीय अमर सिंह ही अखिलेश यादव को राजनीति में लेकर आए, लेकिन ये अधूरा सच है। 1999 में लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव यूपी की दो लोकसभा सीट संभल और कन्नौज से चुनाव एक साथ जीते थे और कन्नौज सीट से इस्तीफा भी दे दिया। मुलायम सिंह के इस्तीफे के बाद कन्नौज में सीट खाली हो गई। अब समाजवादी पार्टी किसी ऐसे नेता की तलाश में थी जो कन्नौज सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सके और जीत की गारंटी भी हो। तब स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र उनके घर पहुंचे। जनेश्वर मिश्र समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे और उन्हें मुलायम सिंह यादव के सबसे विश्वासपात्र नेता कहा जाता था। जनेश्वर मिश्र ने बिना देर किए तुरंत ही कहा कि टीपू को कन्नौज से टिकट दिया जाए। इस पर मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मेरे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगेगा अगर मैं अपने बेटे को लोकसभा उपचुनाव का टिकट दूंगा तो। जनेश्वर मिश्र ने कहा कि इस वक्त पार्टी को युवा चेहरे की जरूरत है जो समाजवादी विचारधारा को आगे लेकर जाए। जिसके बाद जनेश्वर मिश्र ने अखिलेश के राजनीतिक गुरु बनकर उनको सत्ता का पाठ पढ़ाया और इस मुकाम तक वो पहुंचे।